20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, मतलब थोड़ा सा अगर कम हो सके पेशेंट की कंडीशन। अच्छा, तो ये सारा पैसा हॉस्पिटल ले रहा है? नहीं सर, हॉस्पिटल भी लेगा, कुछ जो बीच के लोग रहेंगे, समझ रहे हैं सर, बीच के दलाल भी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मन विचलित हो उठे। सोशल मीडिया पर हर कोई एक दूसरे के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। कहीं मरीज का इलाज एम्बुलेंस के अंदर हो रहा है तो कहीं पर अस्पताल के बाहर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस त्रासदी के बीच भी कुछ लोग पैसों के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि वो सांसों का भी सौदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक दलाल और मरीज के रिश्तेदार के बीच की बातचीत है जिसमें अस्पताल में एक बेड के लिए दलाल 20 लाख रुपए की मांग कर रहा है, यानी 20 लाख रुपए देने पर अस्पताल में बेड मिल जाएगा। ऑडियो की बातचीत से पता चला है कि लखनऊ के किसी अस्पताल में बेड दिलाने की बात हो रही है, लेकिन ये वायरल ऑडियो कहां का है? ऑडियो में 20 लाख में एक बेड दिलाने की बात कितनी सही है या फिर ऑडियो कितना सही है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अगर इस ऑडियो में जरा सी भी सच्चाई है तो सरकार और प्रशासन को इंसानियत के दुश्मनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस ऑडियो में 20 लाख में बेड दिलाने को लेकर क्या बात हो रही है, आप खुद सुन लीजिए। जी भैया बताइए। हाँ शिवेंद्र भैया। जी भैया। अरे ये बताइए कि थोड़ा सा मुनासिब आप कर लीजिए, 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, मतलब थोड़ा सा अगर कम हो सके पेशेंट की कंडीशन। सुनिए सर, मैं अब रिस्क वाला गेम खेल ही नहीं सकता हूँ सर। अच्छा। आपको पता नहीं है सर, मैं अब नवीन बोरा को जानते होंगे, यहाँ के विधायक है। उनसे बात रख के अब उनसे सोचिए, अब बात काटता हूँ तो कितनी बड़ी बात है। मतलब नवीन बोरा जी से आप मतलब काम करवा रहे हैं, मतलब वो आपका सहयोग करते हैं? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है भाई, यहाँ तो सर, मैं एक बार अपनी बात करता हूँ, तीन करता हूँ सर, एक बार की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अच्छा, मतलब 20 लाख रुपए मेरा सर इसमें, और ये आप समझ लीजिए सर, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं एक पैसे कमीशन या कुछ नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, तो ये सारा पैसा हॉस्पिटल ले रहा है? नहीं सर, हॉस्पिटल भी लेगा, कुछ जो बीच के लोग रहेंगे, समझ रहे हैं सर, बीच के दलाल भी रहेंगे। समझ रहे हैं, वो लोग करवाएंगे, वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह। देखिए, जो दुनिया में आपने जिनसे नंबर लिया है वो मेरे क्लासमेट ही है एकदम। अच्छा, गौतम अग्रवाल जी। जी सर, वो भी जयपुरिया में ही है, मैं भी जयपुरिया में ही हूँ, ऐसा मतलब कोई मुझसे मेरे थ्रू ऐसा कोई काम नहीं होगा। अच्छा सर, जो मेरे साथ जो हो चुका है ना सर पिछले 48 घंटों में। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो एक काम कर सकते हैं शिवेंद्र जी, बीच में जो आपका कमीशन ले रहे हैं इतना लंबा चौड़ा, यार देखो एक्चुअली में कैसा है ना कि अभी सर आप जानते नहीं है, अगर मैं अभी बोरा जी को फोन करूंगा और कहूंगा कि सर मैंने फिर एक बेड था, फिर नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या कहूंगा फिर? तो नीरज बोरा जी इतना लंबा चौड़ा अमाउंट ले रहे हैं मतलब बेड उपलब्ध करवाने के लिए, अगर कोई मर रहा हुआ आदमी यार, और अगर किसी के पास इतने पैसे की जरूरत है। आपको लग रहा है नीरज बोरा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, या फिर आपको बेड मिल रहा है लखनऊ में, तो फिर आप बताइएगा मुझे, ठीक है? नहीं, बेड तो देखिए ऐसा है कि हम लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी कोई बेड मिल नहीं पा रहा है, और सांसें बहुत ज्यादा उखड़ रही है पेशेंट की, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, और इतने जल्दी अगर 20 लाख रुपए अरेंज करने के लिए बोला जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए बोले सर तो मैं ऑक्सीजन दिला सकता हूँ। नहीं, ऑक्सीजन तो है यार ऑलरेडी, मतलब हमें प्रॉपर क्योर चाहिए यार, चेस्ट में बहुत ज्यादा कंजेशन है। आपको अगर एक फ्रेंडली मतलब एक एडवाइस दूं तो आप एक वेंटिलेटर बाय कर लीजिए, ठीक है? और फिर आपके पास ऑक्सीजन अवेल है ही है, आप घर में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दीजिए। अच्छा, हॉस्पिटल मतलब हमें नहीं मिल सकता सर? आप कह रहे हैं इतना पैसा नहीं दे पाएंगे तो सर मैं क्या कहूँगा।